मेरा नाम है माही और आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द वन एंड ओनली इवान। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई थी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी का स्टार्ट 1973 में होता है, जहाँ पर हमें मूवी का मेन करेक्टर एक गोरिला दिखाया जाता है जिसका नाम आइविन होता है। तो यहाँ पर हमें वो गोरिला यानी आइविन हमें अपनी कहानी बता रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं गोरिला की स्टोरी पर, जहाँ पर वो गोरिला यानी आइविन बताना शुरू करता है कि किस तरह वो और उसके कुछ फ्रेंड विक्टर नाम की एक मॉल में लोगों को एंटरटेन करते थे। उनका मास्टर यानी कि उनका एक लीडर मास्टर है जिसका नाम मैक है और वो अपने सारे एनिमल्स को बहुत प्यार करता था। यहाँ पर हमें आइविन के कुछ बेस्ट फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि बेसबॉल खेलने वाली एक मुर्गी, उसके बाद एक सील और एक ट्रक चलाने वाला प्यारा सा रैबिट, एक होती है उनकी ऑनर मैक की पेट डॉगी जो कि बहुत क्यूट होती है, और एक होती है एलिफेंट जो कि आइविन की सबसे पुरानी फ्रेंड थी, और लास्ट में छोटा सा डॉग होता है जो काफी सालों से छुप कर रोज रात को आइविन के केज में सोने आता है और वो आइविन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, उसके सबसे करीब होता है। मैक का एक एम्प्लॉय था जिसकी बेटी जूलिया रोज अपने फादर के साथ मॉल में आती थी और अपना सारा टाइम आइविन के साथ स्पेंड करती थी। फिर एक दिन मैक की बातों से आइविन को पता चलता है कि उनके शो से इतनी कमाई नहीं होती कि मैक ये मॉल चलाए। फिर रात के टाइम आइविन अपनी एलिफेंट फ्रेंड को कह रहा होता है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, और तब वो एलिफेंट कहती है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगी। नेक्स्ट डे आइविन शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शो में अभी भी बहुत कम लोग हैं। मैक का सिक्योरिटी गार्ड उस छोटे से डॉग को आइविन के केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों क्या वो आइविन से डरता था तो उसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद वो बच्ची जूलिया आइविन को कुछ क्रियोन कलर और कुछ पेपर्स देती है क्योंकि उसे लगता था कि आइविन को ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट था। तो आइविन शीशे पे एक फ्लाई को देखता है और उसको देख के वो उसे ड्रॉ करता है। अब यहाँ पर उस डॉग को कुछ समझ नहीं आती कि आइविन ने क्या बनाया है, लेकिन वो उसकी ड्रॉइंग स्किल्स देख कर इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे वो बच्ची जूलिया फिर से वहाँ पर आती है और वहाँ पर उसे आइविन की ड्रॉइंग दिखती है और वो अपने फादर को भी आइविन की ड्रॉइंग दिखाती है और ये भी बताती है कि आइविन ने एक फ्लाई बनाई है। तो आइविन ये देख कर हैरान रह जाता है कि जूलिया उसकी ड्रॉइंग को समझती है। अब काम कम होने की वजह से बाकी शॉपकीपर्स भी मॉल को छोड़कर जाने लगते हैं और इस बात की वजह से मैक को काफ़ी परेशानी होती है। फिर एक दिन उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो डॉगी से मिलने जाता है, जहां पर डॉगी उसे बताती है कि आज का शो कैंसिल हो गया है क्योंकि एक नया एनिमल हमारे बीच में आने वाला है। और डॉग को कहती है कि प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना, इसीलिए ताकि बाकी एनिमल्स को परेशानी ना हो। लेकिन बाहर जाते ही वो डॉग सबको ये बात बता देता है और तब वो सोचते हैं कि शायद शो की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से मैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस करने वाला है। इसके बाद पता चलता है कि वो नया एनिमल बेबी एलिफेंट है जिसे मैक बड़े एलिफेंट के साथ रखता है। तो मैक उन सबको उस बेबी एलिफेंट के बारे में बताता है और उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस से इस शो में जान डाल देगी। अब यहाँ पर आइविन को उस बेबी एलिफेंट से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि वो बहुत बोलती थी और बहुत क्वेश्चंस करती थी। नेक्स्ट डे मैक आइविन की परफॉर्मेंस को बीच में ही काट कर उस बेबी एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करता है। तब ये देखकर आइविन को बहुत दुख होता है। दोनों एलिफेंट्स की जोड़ी से शो में फिर से लोगों की भीड़ होने लगती है। इसके बाद मैक इस बेबी एलिफेंट की पिक्चर्स भी पोस्टर पर लगा देता है। तब ये देखकर आइविन और वो डॉग जेलस होते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि बड़े एलिफेंट के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तब मैक उसे चेक करता है और उसे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए कहता है। अब रात को बेबी एलिफेंट की जिद करने पर बड़े एलिफेंट उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो बेबी एलिफेंट थी तब वो एक बड़े से डिच में गिर गई, तब वहाँ एक लड़की ने आकर उसकी हेल्प की। बड़ी एलिफेंट ये भी आके बताती है कि यहाँ से बाहर की दुनिया में सब लोग आज़ाद रहते हैं और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं जो बहुत प्यारा लुक देती हैं। उस टाइम ये सारी बातें आइविन भी सुन रहा था और तब वो भी इस तरह की खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे बड़ी एलिफेंट शो पर नहीं जा पाती, तब मैक अकेले ही बेबी एलिफेंट को शो करने के लिए कहता है। तब ये सुनकर बेबी एलिफेंट डर जाती है कि मैं अकेली कैसे करूँगी। तब ये देख आइविन को उस पर तरस आता है और तब वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे शेयर करता है, उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद वो एलिफेंट बेबी सबके सामने जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो रात को बेबी एलिफेंट के रिक्वेस्ट करने पर आइविन अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तब मैक और उसकी वाइफ ने उसे अडॉप्ट कर लिया, मैंने उन दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया।
वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा होने लगा तो मैंने उनके बहुत नुकसान कर दिए। अब मैं को तो इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन उनकी वाइफ हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। फिर उसके बाद मैक मुझे इस मॉल में ले आया, फिर तभी से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो आइवन नोटिस करता है कि वो बेबी एलिफेंट सो गई है, और फिर तब यहाँ पर बड़ी एलिफेंट आइवन से रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि बेबी एलिफेंट अभी काफ़ी छोटी है और वो अपनी पूरी लाइफ इस केज में रहकर कैद रहकर नहीं गुजार सकती, इसीलिए तुम उसे वादा करो कि तुम इसे यहाँ से निकाल कर भगा दोगे, ताकि वो भी एक आज़ाद ज़िंदगी जी सके, जो कि उसका ड्रीम है। और तब आइवन प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी फ्रेंड यानी एलिफेंट मर चुकी है। तो मैग और बाकी सारे एलिफेंट्स को उसकी मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद आइवन देखता है कि मैग जबरदस्ती उस बेबी एलिफेंट को परफॉर्म करना सिखा रहा है, लेकिन वो बहुत थकी हुई है। तब जूलिया और उसके फादर भी उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मैग किसी की नहीं सुनता, और ये देखकर आइवन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाता है, और ये डिसाइड करता है कि अब चाहे जो भी हो मैं बेबी एलिफेंट को यहाँ से भगा दूंगा। इसके बाद आइवन अपने फ्रेंड डॉग को बता रहा होता है कि हाईवे के दूसरी तरफ एक काफ़ी बड़ा जंगल है जहाँ हम सब आजाद जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद आइवन ड्राइंग बनाता है जिसमें वो एक चाबी भी बनाता है। उसे यकीन था कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझकर उनकी हेल्प जरूर करेगी, और नेक्स्ट डे वो ड्राइंग जूलिया को दिखाता है, लेकिन इससे पहले कि जूलिया उस ड्राइंग को समझ पाती, मैग उस ड्राइंग को ले लेता है, और ये देखकर उसे अपने शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है। वो हर जगह पोस्टर लगवा देता है कि आइवन ड्राइंग बनाने लग गया। तब ये सुनकर बहुत सारे लोग उसके शो में आ जाते हैं। उस शो में मैग के बहुत कहने पर भी आइवन कुछ भी ड्राइंग नहीं बनाता, और वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में बस एक ही बात घूम रही थी कि मैंने जो प्रॉमिस अपनी फ्रेंड एलिफेंट से किया था, यानी बेबी एलिफेंट को वहाँ से भगाना है, मुझे उसे पूरा करना है। तब मैग उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे आइवन के केज में वो डॉग दिख जाता है, इसीलिए वो गुस्सा होते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि निकालो इसे यहाँ से, और अगर तुमने इसे यहाँ से ना निकाला तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तब ये सुनकर आइवन को एक आइडिया आता है और वो उस डॉग को सिक्योरिटी गार्ड के पास भेजता है। तब वो डॉग सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे लगा कर आइवन के केज में ले आता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, फिर सिक्योरिटी गार्ड देखते कि आइवन तो सो रहा है, इसीलिए वो लोग खोल के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे आइवन उठ जाता है। तब आइवन को जागता देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर आइवन कीज की मदद से सभी जानवरों को बाहर निकाल देता है, और जब वो बेबी एलिफेंट इस बारे में पूछती है तो आइवन कहता है कि हम सब एक आज़ाद ज़िंदगी जीने जा रहे हैं, लेकिन वो डॉगी उनके साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक पेट एनिमल है और वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएगी। इसके बाद वो सभी मेन डोर तक आते हैं जो कि लॉक था, और तब वो डॉग आइवन को उसके पावर के बारे में बताता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, यू कैन डू इट। और तब आइवन एक ही पंच से उस डोर को तोड़ देता है। फिर वो सभी हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। उधर वो सिक्योरिटी गार्ड मैक को ये सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। अब हाईवे को क्रॉस करते हुए रैबिट का ट्रक फंस जाता है, और तब ठीक टाइम पर आइवन उसे एक गाड़ी से बचा लेता है। वहीं पर एक आदमी सभी जानवरों को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। वो एनिमल जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं, वो वहाँ पर वो इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी टेम्परेरी थी, क्योंकि आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि ये कोई जंगल नहीं है बल्कि ये एक फैमिली पार्क है जिसके आसपास बहुत सारे घर हैं। और तभी उन्हें ढूंढता हुआ मैग भी वहाँ पर आ जाता है, और वो आइवन को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह करके तुम अपनी भी और बाकी एनिमल्स की जान को भी खतरे में डाल रहे हो। और तब आइवन उसकी बात समझ जाता है, इसीलिए वो सारे एनिमल्स दोबारा से मॉल में आ जाते हैं। इसके बाद मैग सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल देता है, और वो अपने एम्प्लॉय यानी जूलिया के फादर को कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग हमारे शो को बंद करवा देंगे। आइवन उसमें भी एलिफेंट से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। तो बेबी एलिफेंट उसे असली जंगल के बारे में पूछती है, और तब यहाँ आइवन उसे अपने बचपन के बारे में बताता है। ये वो टाइम होता है जब कुछ इंसानों ने उसे पकड़ लिया था। वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जंगल में बहुत खुश रहता था, और उसे कीचड़ से पेंटिंग बनाना भी बहुत पसंद था। उसके फादर उसे एक बहादुर गुरीला बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता था, और उसका सारा टाइम या तो पेंटिंग करने में या फिर अपनी बहन के साथ खेलने में मस्ती करने में गुजर जाता था। फिर एक दिन जंगल में कुछ हंटर्स आए और मेरे पापा ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में उन हंटर्स ने मेरे पापा को मार दिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और शहर ले आए, जहाँ से मैक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तभी सुनकर डॉग कहता है कि इंसान तो शैतान है, जिस पर वो बेबी एलिफेंट कहती है कि नहीं, सारे इंसान बुरे नहीं होते, क्योंकि बड़ी एलिफेंट को एक लड़की ने बचाया था जब वो छोटी थी, और मुझे ये बात तब पता चली जब
उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। वो जूलिया भी तो इतनी अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखती है। फिर नेक्स्ट डे जूलिया आइवन को कुछ कलर्स देती है और उसे अपने बनाए हुए ड्रॉइंग दिखाती है। वो आइवन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम अपनी ड्रॉइंग से फीलिंग शेयर करते हो। उसके जाते ही अचानक से आइवन को एक आइडिया आता है और जूलिया के दिए कलर से एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट डे मैक फिर से अपने शो को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर एक रिपोर्ट है उसे एनिमल्स के भागने के बारे में पूछती है। मैक कहता है कि ये एक फेक न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। जूलिया अपने फादर के साथ लाइटिंग करने में हेल्प करती है। इसके बाद वन बाय वन सभी जानवर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और सबसे लास्ट में आती है आइवन की बारी। और जैसे ही पर्दा हटता है, वहाँ पर रिपोर्टर और सारे लोग काफी शॉक रह जाते हैं। मैक भी जब मुड़कर देखता है तो उसके होश मुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आइवन ने काफी खूबसूरत जंगल की पेंटिंग बनाई थी। तब यह देखकर जूलिया उसकी पेंटिंग समझ जाती है और वो अपने फादर से बात करती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल में जाना चाहता है। जिस पर जूलिया के फादर कहते हैं कि इसमें मैं तो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और इसके बाद जूलिया उस रिपोर्टर से हेल्प मांगती है और फिर ऐसे करते करते सब लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। सभी लोग मॉल के बारे में प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सारे एनिमल्स को आजाद किया जाए। तब यह देखकर आइवन खुश हो जाता है और समझ जाता है कि फाइनली थैंक गॉड उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका। और यहाँ पर मैक भी हार मान लेता है। फिर एनिमल्स को वहाँ से ले जाया जाता है। सब एनिमल्स एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। फिर आइवन बेबी एलिफेंट को कहता है कि अब तुम बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हो। इसके बाद वो डॉग भी आइवन से लास्ट टाइम मिलने आता है, तब आइवन उसे अपना एक टॉय गिफ्ट में देता है। फिर लास्ट में मैक भी आइवन से मिलने आता है। वो आइवन को अपनी और उसकी बचपन की पिक्चर दिखाता है। तब वो दोनों एक दूसरे से अपनी इमोशनल फीलिंग्स शेयर करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं और आइवन अपनी नई जिंदगी में कदम रखता है। फिर आइवन की आंख एक कमरे में खुलती है, इसीलिए वो उस जगह को देखकर एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन फिर एक डॉक्टर से बताती है कि वो यहाँ पर नहीं रहने वाला, बल्कि वो कहीं और रहने वाला है। इसके बाद वो शटर उठाती है और आइवन देखता है कि वो एक काफी खूबसूरत जंगल है जिसके बारे में वो काफी सोचा करता था। उसे पता चलता है कि ये अटलांटा जू है, जहाँ एनवायरमेंट को नेचुरल रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। आइवन वहाँ पर अपने जैसे और भी गोरिल्लास को देखता है। इसके बाद वो भागकर ट्री पर चढ़ जाता है और बहुत सारे एलिफेंट्स को वहाँ पर देखता है। वो देखता है कि बेबी एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर खेल रही है। और यहाँ पर फाइनली उसका प्रॉमिस पूरा हो चुका था, जो कि उसने अपनी फ्रेंड एलिफेंट से किया था। और अब यहाँ रहकर वो उस बेबी एलिफेंट का ख्याल भी रखेगा। यही मूवी खत्म होती है गाइस। अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।